बताइए सुमित, आज का स्टॉक। शुक्रिया दीपाली। आज जो कंपनी चुनी गई है वो लिकर स्पेस, शुगर स्पेस के अंदर है, फिर केमिकल स्पेस में है। इंडिया ग्लाइकोल को चुना है। कंपनी डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल पे काम काज करती है। बेसिकली शुगर और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे कंपनी काम काज कर रही है। और लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी के नंबर्स हैं उसमें टर्न अराउंड हुआ है। घाटे से मुनाफे के अंदर लौटते हुए दिखाई पड़ी है Q3 के अंदर। और ये अनुमान की लगातार अगर आप देखें Q1, Q2 और Q3 में एक नॉर्थवर्ड ट्रेंड कंपनी के मुनाफे के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। ऑपरेशनल फ्रंट पर भी करीब करीब 4% के तो ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कंपनी के डेट रिडक्शन। पिछले 3 साल में कंपनी ने मेजरली अपने डेट को रिड्यूस किया है और अब ऑलमोस्ट डेट फ्री होने के कगार पे आते हुए दिखाई पड़ रही है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग कंपनी के अंदर है और अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन करती हुई आई है। सबसे अहम चीज ये कंपनी की जो रीसेंट रियलाइजेशन इंप्रूव है, स्पेशली शुगर बिजनेस को लेकर और लिकर बिजनेस को लेकर, वो कंपनी के आने वाले नंबर्स के अंदर भी इंपैक्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक अहम चीज ये भी है कंपनी ने जो रिसेंटली अपनी कैपेसिटीज ऐड की है उसका भी इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा है। साथ ही साथ जिस तरह का गोइंग फॉरवर्ड कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान को लेकर या जो बयान दिए हैं मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस को लेकर, वो भी काफी साउंड दिखाई पड़ रहे हैं। कैश भी ठीक है, 7 रुपए के आसपास ही कैश ईपीएस है कंपनी की। और जिस तरह की नंबर्स की प्रेडिक्शन है इसके हिसाब से खरीदारी की राय दी जा रही है करीब 185 रुपए के टारगेट्स के लिए।